तो सबसे पहले मैं डेटा बना लेता हूँ। तो सम इफ काउंट इफ कर चुके हैं हम? नहीं, हम नहीं कर रहे। तो ये जैसे डेटा है, ये जैसे सेम वी लुकअप की तरह ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है बस इसमें। मैच इंडेक्स एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले काम कैसे करते हैं? सबसे पहले मैच क्या करता है, सेम वी लुकअप की तरह ही है। मैच पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप वैल्यू वही रोल नंबर हो गया। लुकअप एरे, वी लुकअप में हम पूरा का पूरा ये देते हैं, डेटा देते हैं। इसमें सिर्फ उतना कॉलम देना होता है जिसमें ये आईडी लुकअप की जानी, ठीक है। मैच टाइप एग्जैक्ट मैच ही आता है, यानी कि ज़ीरो आता है इसमें भी, ठीक है। तो उसके बाद ये रिटर्न क्या करता है हमें, ये कोई नंबर रिटर्न करता है। ये नंबर क्या होता है कि ये जो सिलेक्शन है आपका, इसमें ये वाली वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है 3, तो मतलब कि इस सिलेक्शन में ये तीसरी पोजीशन पे है ना। तो ये पोजीशन निकाल के देता है। अब मैच तो आपकी पोजीशन निकालता है, इंडेक्स क्या करता है, अगर आप उसको पोजीशन दो, इंडेक्स में पहला एरे है, जैसे कि मैंने ये एरे दे दिया वही, और मैंने अगर इसको बोला कि इस पोजीशन की वैल्यू दे दो, तो ये वैल्यू दे देता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ से आईडी फाइंड कर रहा है, इसके बगल में रख दो। तो अगर यहाँ से तीसरी वैल्यू है, तो इधर से तीसरी वैल्यू नाम होगी, तो वो इंडेक्स आपको वो नाम दे देता है, ठीक है। तो अब ये मैच इंडेक्स एक साथ लगाते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले लगेगा इंडेक्स, रिज़ल्ट किस में से चाहिए, मुझे इसमें से चाहिए, ठीक है, फ्रीज कर लिया मैंने। फिर रो नंबर पूछ रहा है, रो मतलब वही पोजीशन। तो यहाँ पे हम दे देंगे वो मैच का फार्मूला, मैच में लुकअप वैल्यू, और इसमें भी लुकअप की तरह ही मैं कॉलम को फ्रीज करूँगा। लुकअप एरे कि ये लुकअप किस में होना है, मैंने कहा इसमें होना है। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका नेम आ गया। ठीक है, अब बाकी में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, तो ये रिजल्ट वाला एरे बस किसका आना है कि हिंदी का, यहाँ का एड्रेस चेंज करना है इंडेक्स का, ठीक है, और ये इंग्लिश का। और ये मैथ का, ठीक है। तो ये आ गया आपका पूरा VLookup जैसा काम कर गया। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि मान लो आपका ये वैल्यू यहाँ नहीं है, कहीं और है, मान लो इधर है। वी लुकअप में क्या होता है कि लुकअप वाली वैल्यू इधर होनी चाहिए, है ना। इसमें ये कहीं भी बीच में हो सकती है, तो मतलब आपको बस लुकअप एरे चूज़ करना है, ठीक है। ये आप चाहे इधर हो कहीं का भी दे सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि आपकी पोजीशन निकालता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ करता हूँ, देखो इंडेक्स में अभी तक हमने क्या निकाला कि रो पोजीशन दे दी थी,
ठीक है, तो मैंने इंडेक्स की मैंने कहा कि ये ले लिया मैंने, और इसमें से रो पोजीशन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू डालूँगा, 1, 2, 3, ठीक है, वो दे दे रहा है। तो अब इसमें क्या है कि यह आपका सिंगल की बजाय ना, आप इसमें पूरा ये भी दे सकते हो, ठीक है। पर इस केस में क्या होता है, आपको एक और पैरामीटर देना होता है, कॉलम नंबर, क्योंकि आपके पास अब कई कॉलम है। तो कॉलम नंबर मान लो मैं यहाँ से चूज करूँगा, तो मैं कह रहा हूँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो ये वैल्यू, सेकंड कॉलम से तो ये 53, ठीक है, फोर्थ कॉलम से, ठीक है। अब ये देखो कि जैसे कि मैं ये कर रहा था, मैच लगाया था मैंने, तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब मैं करने क्या वाला हूँ उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कि अगर मैं मैच के फंक्शन में लुकअप वैल्यू को रोल नंबर ले लूँ, इसमें हेडिंग लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और लुकअप एरे में मैं इसके ऊपर की हेडिंग की ये ले लूँ, ठीक है, फ्रीज 0, तो ये मुझे क्या देगा कि वो हेडिंग कौन सी पोजीशन पे है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ जो ये मैं कॉलम नंबर कर रहा हूँ, देखो रो नंबर के लिए मैंने मैच का फंक्शन लगाया, वैल्यू लुकअप करा ली, कॉलम के लिए मैं हेडिंग लुकअप भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैच का फंक्शन है यहाँ वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ कॉलम के लिए डाल दिया, ठीक है, और इसके सिलेक्शन को मैंने बढ़ा दिया फुल। तो अब यहाँ से इसको क्या मिल जाएगी, तो अब ये टू वे मैच हो गया, इनका रिजल्ट एज इट इज मिल जाएगा। इवन यहाँ से आप हेडिंग भी चेंज करोगे, क्योंकि हेडिंग भी लुकअप हो रही है, तो यहाँ आ जाएगी, नीचे के नंबर बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैच का यूज आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी डेटा को वी लुकअप में देखो, तो ये जो पोजीशन आ रही है उसको इधर कर देता हूँ, ये जो पोजीशन आ रही है इसी से ही मैं क्या कर सकता हूँ, वी लुकअप में भी मैच लगा सकता हूँ, क्योंकि कॉलम इंडेक्स ही तो अल्टीमेटली चाहिए होता है। तो अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ले ली मैंने, टेबल एरे ले लिया मैंने, और ये जो कॉलम इंडेक्स है इसको अभी 2 करके 0 कर दे रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स है, उसकी जगह मैं मैच का वही वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैच में लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, हेडिंग, हेडिंग में क्या फ्रीज होगा, रो, और इसमें जहाँ से हेडिंग उठाऊंगा वो फुल रो हो जाएगी, फुल फ्रीज हो जाएगी, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब मुझे वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। ठीक है ना, तो वी लुकअप के साथ भी मैं मैच यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैच इंडेक्स बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, दो डेटा हो, तीन डेटा हो, कितने के भी साथ आप यूज कर सकते हैं मैच का फॉर्मूला, कॉलम इंडेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जैसे कि वी लुकअप है, कई बार ना डेटा कुछ अलग तरीके से हो जाता है, पर उससे पहले मैं ऑफसेट बताता हूँ, ऑफसेट क्या करता है। तो इंडेक्स में आपने देखा कि इसमें एरे नंबर
एरे रो कॉलम नंबर है, इसमें क्या करोगे आप ऑफसेट में, जैसे रो कॉलम मैं यहाँ से लूँगा, एक जगह लगाता हूँ इंडेक्स, ये चूज़ कर लिया रो कॉलम, ठीक है, एक जगह लगाता हूँ ऑफसेट, ऑफसेट का, ऑफसेट में पूरे सिलेक्शन के बजाय स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है रेफरेंस में, रो कॉलम यहाँ से ले सकते हैं, रो कॉमा कॉलम, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, दोनों में मैं फर्स्ट रो नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर डालता हूँ, पर दोनों की वैल्यू अलग है क्योंकि इंडेक्स जो शुरू करता है गिनना वो जैसे वन, तो वन यहीं गिनेगा, वन टू थ्री फोर ऐसे गिनेगा, पर ऑफसेट करेगा पहले रेफरेंस को ज़ीरो मानेगा, ज़ीरो वन टू। तो जब हम रो कॉलम की बात कर रहे हैं, रो वन कॉलम वन, तो ज़ीरो वन कॉलम, ठीक है। अब ज़ीरो वन रो, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि अगर आप इसमें ज़ीरो से गिनता है तो माइनस वन कर दोगे रो कॉलम में, तो ये दोनों एग्जैक्ट चलेंगे, ठीक है, तो दोनों एग्जैक्ट चलेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। अब ऑफसेट के फॉर्मूला में एक और चीज़ है, हाइट और विड्थ, दो पैरामीटर और हैं। ये किस लिए यूज होता है कि मान लो कि, अब इसको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं, रो कॉलम हाइट विड्थ, तीन और दो, ऑफसेट रेफरेंस ले लिया मैंने, रो कॉलम हाइट विड्थ, ठीक है। अभी एरर आएगी, पर हो क्या रहा है ये देखो, यहाँ से रो कितनी है, दो है, ज़ीरो वन टू, ठीक है, कॉलम तीन है, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है, और उसके बाद हाइट कितनी है, वन टू थ्री, ये हो गई हाइट इसकी, विड्थ कितनी है, दो, वन टू, मतलब ऐसे में दो सेल होने चाहिए, ऐसे में तीन सेल होने चाहिए, हाँ। तो अब इनका टोटल क्या है, 286। अब यहाँ मल्टीपल वैल्यू है तो ये दिखा नहीं सकता ना, अगर मैं इसी फॉर्मूला को सम के अंदर डाल दूँ तो ये आपको टोटल दिखा देगा। अब मान लो हाइट और बढ़ाता हूँ, चार कर देता हूँ, 412 आ रहा है, यानी कि एक दो तीन चार, एक दो, 412 आ रहा, तो ये रेंज ले रहा है। तो ऑफसेट समझ में आया क्या कर रहा है। और ऑफसेट को और समझाने के लिए, जैसे कि थोड़ा सा इससे काम करवाते हैं, मान लो कि यहाँ पे सेल्स है, दिसंबर तक की, ठीक है, यहाँ नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यह चाहता हूँ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाए, डेटा वैलिडेशन,
लिस्ट जनवरी से लेकर दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मंथ सिलेक्ट करूँ वहाँ तक ये सेल्स दिखा दे, ठीक है। जून मतलब यहाँ से लेकर जून यहाँ तक की, यहाँ पे सेल्स आनी चाहिए, YTD सेल्स जिसे कहते हैं, कि इस मंथ तक सेल आनी चाहिए जैसे ही सिलेक्ट करूँ। तो क्या लगेगा? वही सम ऑफसेट वाला फार्मूला लगेगा, पर लगेगा कैसे वो देख। सम में ऑफसेट का फार्मूला, रेफरेंस में क्या करूँगा, मुझे टोटल यहाँ से करना है तो मैं पहले ही एक कॉलम पीछे चला जाता हूँ, एक कॉलम एक रो पीछे चला जाता हूँ। रेफरेंस मैंने पहले ही यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फ्रीज नहीं किया है उसको। रो कौन सी चाहिए? वन रो वन कॉलम, ठीक है। मतलब एक कॉलम आगे से यहाँ से लेगा वो, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए? हाइट भी वन चाहिए, पर विड्थ चाहिए कि जहाँ पे ये जून फाइंड हो जाए, मतलब यहाँ से जून जहाँ तक फाइंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा मैच का फार्मूला, लुकअप करूँगा इस वैल्यू को, इसको फ्रीज कर दूँगा। लुकअप किस में करूँगा? इस एरे में। तो अब ये क्या दिखाएगा? जो भी फाइंड करेगा उसकी वैल्यू दिखाएगा। अगर मान लो यहाँ 6 आता है तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी 6, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी को ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो जून तक की सेल देखें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 423 है ना। अगर जनवरी करूँ तो खाली जनवरी जनवरी के आएगी, जनवरी की आ रही है सब। दिसंबर की करूँगा तो दिसंबर तक का टोटल आएगा, दिसंबर तक का टोटल, हाँ 686, ठीक है। फॉर्मूला देखोगे पहले ये रेंज है फिर ये रेंज है, वो नीचे नीचे बढ़ती चली जा रही, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते थे, चाहे तो हम रेफरेंस को यहाँ से भी दे सकते थे, फिर यहाँ पे हमें 0-0 करना होता है ना, कि 0 कॉलम 0 रो, ठीक है, तो भी वही बात होती। पर वो आसान रखने के लिए मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह से मैच ऑफसेट के साथ आप ऑटोमेट कर सकते हो। बहुत और भी कंडीशन हो सकती हैं, यूजर कह सकता है कि आपसे कि जहां मैं मंथ सिलेक्ट करूं वहां से लेकर दिसंबर तक की आनी चाहिए, तो फिर इसमें कहां से होगा, इसमें आपका किधर खेल होगा सारा, यहां पे ये कॉलम पे, कि कॉलम कहां से स्टार्ट होना चाहिए, फिर कॉलम के बाद बचे हुए कितने होने चाहिए, तो जो फाइंड हुआ है उतने में से वो माइनस होगा। तो कैलकुलेशन करके इसके 4 पैरामीटर है, चारों पैरामीटर में कैसा भी आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद इसमें आते हैं इसमें ये डाटा आपका कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है, VLookup का डाटा आपका अलग तरीके से भी हो सकता है। अभी इसको हटा देते हैं। मान लो कि आपका यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके आगे आ जाता हिंदी, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश इसी के नीचे यहाँ पड़ जाता और इसके नीचे लिख जाता इंग्लिश, ठीक है, और इसी में आ जाता नीचे मैथ, ठीक है।
इस तरीके से डेटा होता, ये यहाँ पे ये नहीं होता। इस तरीके से डेटा हो गया, ठीक है। अब आपको ये समरी निकालनी है, ठीक है। तो वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप नेम तो आपका निकल जाएगा क्योंकि रोल नंबर इसमें हो गए 3 बार, है ना। तो वी लुकअप क्या करता है कि आपका जो आप डेटा सिलेक्ट करते हो उसमें से पहली वैल्यू जो इसे मिलती है वो दे देता है। पहली बार जैसे ये नंबर मिलेगा वो देगा, पर इसमें तो फिर हिंदी के मार्क्स दे देगा, फिर इंग्लिश के नहीं देगा। तो इसके लिए मुझे एक यूनिक की बनानी पड़ेगी कि क्या दो चीज़ मिला के ये कॉम यूनिक हो जा रहा है। तो रोल नंबर और अगर हम इसको मिला दें तो यूनिक हो जाता है कि इस रोल नंबर का ये वाला मार्क। तो इसके लिए ना हम की बनाते हैं, इसको अल्टरनेट की भी कहते हैं वैसे। तो की बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं रोल नंबर ले लेता हूँ और कंकैटिनेट कर देता हूँ इसके साथ सब्जेक्ट को। तो जब यूनिक आईडी तो चाहिए हमें वी लुकअप के लिए, तो मेरे पास यूनिक आईडी बन गई ये, ठीक है। यहाँ इंग्लिश आ गया है, ये यूनिक आईडी बन गई। अब यहाँ पे हम वी लुकअप से ये करेंगे। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, ये जिसके अंदर हम कॉलम को फ्रीज करते हैं, कंकेटिनेट हो रही है ऊपर के मार्क ये सब्जेक्ट नेम से, तो इसमें मैं रो को कंकेटिनेट करूँगा ताकि नीचे ड्रैग करूँ तो हिंदी, हाँ मतलब इसमें ड्रैग करूँ तो ये चेंज होना चाहिए, पर इसको अगर नीचे ड्रैग करूँ तो रो नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि कॉलम चेंज करे क्योंकि इधर खींचूँगा तो इंग्लिश मैथ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो ये लुकअप एल के बाद है डॉलर, एल को नहीं करेंगे क्योंकि जब मैं इधर ड्रैग करूँगा तो ये इंग्लिश आ जाना चाहिए, मैथ आना चाहिए, पर जब नीचे खींचूँ तो ये फिक्स रहे, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मेरी ये बन गई, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गई। अब जो मैं वी लुकअप में एड्रेस दूंगा एरे, वो ये दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स कौन सा है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचवें में मार्क्स है ना, तो 5 दिया और फॉल्स, ठीक है। अब यही वी लुकअप आ गए सबके मार्क्स, यहाँ पे इंग्लिश के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, यहाँ पे मैथ के साथ हो रहा है। तो जहाँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा वहाँ से पांचवा दे देगा, ठीक है। क्या हुआ, छोटी हो रही, चलो ठीक है, यहाँ तक दिखाई समझ आया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो वी लुकअप के साथ ऐसे ही, मतलब वी लुकअप में बहुत कुछ है ऐसे ही करने का, करते रहोगे आता जाएगा अपने आप। हर तरह का जो है आपका डाटा इन्हीं सबसे वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, ऑफसेट का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब समिफ वगैरह बता देता हूँ, समिफ काउंटिफ कैसे यूज होते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अलग डेटा चाहिए,
तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास नेम है ये, पहले समय देखते हैं सेल्स, ठीक है। अब इनकी सबकी टोटल सेल्स निकालनी है मुझे, तो सम क्या करता है, टोटल करता है। सम इफ क्या करता है, कंडीशन के बेस पे टोटल करेगा। तो सम इफ का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें ये पहले मांगता है रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो रेंज वो होती है जिसमें से आपका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि संदीप कहाँ मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने कहा ये ढूंढना है इस रेंज में, ठीक है। सम रेंज की क्या सम करना है, तो मैंने सम रेंज दे दी ये। तो जहाँ पे ये संदीप मिलेगा इधर, उसमें से वो वैल्यू पिक करेगा, बाकी के लिए जीरो करेगा, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबका टोटल निकाल देगा, ठीक है। फर्स्ट हाँ, सभी एक के बाद क्या है, ए के बाद F3 है, क्राइटेरिया ये है। इसमें ये दो बार है। हाँ, वो पूरी रेंज के लिए, कॉलन के लिए, जब आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हो ना, देखो एक तो होता है कि इस तरह से लेते हो, तो इसमें ये K4 से 10 तक है। जब मैंने पूरा कॉलम ही लिया है तो K कॉलन K आएगा। इसी तरह से जब रो लेता हूँ ना पूरी पूरी, तो वो रो कॉलन रो आ जाती है, ठीक है। ये सिलेक्शन के तरीके हैं, इसका मतलब है कंप्लीट रो। तो आप वैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, दोनों तरीके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनकी दिल्ली की सेल कितनी है खाली, वो पता लग जाए। तो या कहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 सेल कितनी है, पहले ये निकालते हैं। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 50 से ऊपर की सेल कितनी है। तो सम इफ, जब आपका जो क्राइटेरिया सम रेंज के अंदर ही होता है, तो इसमें अलग से सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने खाली रेंज लिया और क्राइटेरिया ले लिया। क्राइटेरिया मैं डायरेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा ग्रेटर देन 50। इसी तरह से इक्वल टू, लेस देन, ये सब इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चलेगा, तो ये आपको टोटल दिखा देता है। पहचानने वाली बात यह है कि सम रेंज वहीं ज़रूरत होती है जहाँ सम रेंज पहले दी ना गई हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि दिल्ली की सेल कितनी है इन सब की। तो अब क्या हो गया कि क्राइटेरिया हो गए दो, एक तो नेम में से हो गया, एक सिटी में से हो गया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ्स, इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। इसमें क्या कहता है कि आप सम रेंज मुझे पहले दे दो। सम इफ में सम रेंज लास्ट में मांगता है, पर सम इफ्स में सम रेंज पहले लेगा। तो हमेशा ये पढ़ के लगाने, मैंने कहा सम रेंज तो हो गई ये, उसने बोला क्राइटेरिया रेंज वन कौन सी है, मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज वन ये है कि पहला क्राइटेरिया इसमें से होगा और क्या होगा वो ये होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है दूसरा क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, मैंने कहा दूसरा क्राइटेरिया रेंज ये है। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा होगा, मैंने कहा ये होगा, उसको फुल फिक्स कर देता, ठीक है। अब ये मेरा खाली दिल्ली दिल्ली की आ रही है। तो पिवट टेबल में जो भी हम कुछ करते हैं वो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली की और ग्रेटर देन 50 कितनी है, तो सम इफ्स में एक और डाला जा सकता है कि क्राइटेरिया रेंज 3 डाल दूंगा इसमें, जो कि सम रेंज ही होगी, और क्राइटेरिया मैंने चूज़ कर लिया ये ग्रेटर देन 50 वाला, ठीक है। तो ये उनकी मुझे बता देगा कि ग्रेटर देन 50 वाली ये सेल्स है, ठीक है। तो सम इफ समझ में आ गया कैसे हम कर सकते हैं। सेम काम जब आपको पता लगाने हो कि रिकॉर्ड कितने हैं, तो काउंट इफ से होता है। ये तो सम कर रहा है, अब हमें जानना है कि ये संदीप के रिकॉर्ड कितने हैं इनके, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल रोज़ कितनी है,
तो मैं करूँगा काउंट इफ, ठीक है, रेंज क्राइटेरिया, इसमें सम रेंज वगैरह नहीं देनी होती, बस रेंज क्राइटेरिया देना होता है, ये इतने रिकॉर्ड हैं इनके, ठीक है, उसमें से दिल्ली वाले कितने हैं, तो काउंट इफ्स लग जाएगा इसमें, क्योंकि सम रेंज नहीं है तो सीधा सीधा आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू मैंने दे दिया ऐसे करके, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, ठीक है, तो ये 7 रिकॉर्ड हैं। अब ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं, ठीक है, रिकॉर्ड, तो क्राइटेरिया 3 दे दूंगा, और ये हो गया मेरा क्राइटेरिया 3, ठीक है, तो 3 रिकॉर्ड इसके हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इनसे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो काउंट में फॉर्मूले यूज़ होते हैं, इसी तरह से आपका देखो एवरेज इफ भी है, ठीक है, एवरेज इफ, एवरेज निकालने के लिए एवरेज इफ्स, जहां आपके मल्टीपल क्राइटेरिया हो, ठीक है, तो क्राइटेरिया बेस पे चलते हैं, ये सेम है। उसके अलावा जैसे काउंट का फंक्शन है, तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो उसमें नंबर कितने हैं वो बताएगा। अगर मैं काउंट ए कर दूं तो ये अल्फ़ाबेट भी काउंट कर लेगा, पहले 187 आ रहा था बट, क्योंकि सेल्स जो है वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, काउंट ए का मतलब है काउंट अल्फ़ाबेट्स, काउंट ब्लैंक किसी भी सिलेक्शन में बताएगा ब्लैंक कितने हैं, काउंट ब्लैंक, ये सिलेक्शन कर लिया तो ब्लैंक कितने हैं इसके अंदर वो बता दें, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा है ये चलता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।